السلام عليكم. कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था, कंप्लीट और समझा था. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कि हमें डिफरेंस बताना है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में. ओके, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस की आप लोग भी ऐसे ही एज इट इज लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने ड्रॉ की है. इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर. इनपुट डिवाइसेस हमारी वो डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारा डेटा जो है कंप्यूटर में एंटर करती हैं. आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव आउटपुट व्हिच मे बी टेक्स्ट, इमेजेस और साउंड. आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं हमारी? जो कि हमें आउटपुट देती हैं, जैसे कि कोई भी हमारा टेक्स्ट हो, कोई पिक्चर्स हो या कोई साउंड हो. सेकेंड इनपुट डिवाइस का हमारे पास है कीबोर्ड एंड माउस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस. कीबोर्ड और माउस जो है हमारा इनपुट डिवाइसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं इनपुट डिवाइसेस की, क्योंकि हम कीबोर्ड के जरिए और माउस के जरिए कंप्यूटर के अंदर जैसे काम जो कर रहे होते हैं, वो हम जब टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ रहा होता है, तो ये हमारा इनपुट कंप्यूटर तक पहुँच रहा होता है. इसी तरीके से हमारे आउटपुट डिवाइसेस की है एग्जाम्पल. सेकेंड हमारा है मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. मॉनिटर और प्रिंटर जो है हमारा एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइसेस की, जैसे कि जो भी हम काम लिख रहे हैं वो हमारा आउटपुट किस पे शो हो रहा है? मॉनिटर पे, मॉनिटर की स्क्रीन पे. एंड जो हमारा कोई भी हमने प्रिंट आउट निकालना होता है तो वो हमारे प्रिंटर जो है वो भी हमारी एक आउटपुट डिवाइस है, कि जो चीज़ भी हमारा कोई भी काम होता है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम ईजिली प्रिंट करके प्रिंट आउट के जरिए प्रिंटर के जरिए निकाल कर प्रिंट आउट उसका निकाल लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अ प्रिंटर यूज फॉर, कि हम प्रिंटर को क्यों यूज करते हैं या प्रिंटर का क्या यूज़ है? अ प्रिंटर इज़ यूज्ड टू गेट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ आवर वर्क ऑन अ शीट ऑफ पेपर. प्रिंटर जो है हमारा क्या करता है, प्रिंटेड कॉपी हमें शो करता है हमारे काम की किसी भी एक पेपर पे. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज यूपीएस यूज्ड फॉर. A UPS is used to keep the computer working for some time even after the electricity goes off. जो हमारा UPS है वो यूज होता है कंप्यूटर के चलाने के लिए, कंप्यूटर को यूज करने के लिए. यहाँ तक कि अगर हमारी जैसे लाइट चली जाती है तो हमारे जो UPS है उसके जरिए हमारा कंप्यूटर ऑन रह सकता है. इसके बाद हम न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे. रीइंफोर्समेंट, राइट डाउन फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन. इनकी हमें फुल फॉर्म्स बतानी है, रोम की, डीवीडी की, डिस्क की, वीडीयू की, यूपीएस की. रोम की क्या है? रीड ओनली मेमोरी. डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल. डिस्क, डिस्क सीडी का हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क. वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट. यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. और आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करना है और एक्टिविटी 1 कंप्लीट करनी है.